आप भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती है और डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर आप चाहते हैं दोबारा से उसे लाना, या उस पोस्ट को आप आगे चल के देखना चाहते हैं कि वो पोस्ट कैसी थी और दोबारा से उसे रीपोस्ट करना चाहते हैं या अपने गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज के बाद कभी भी अपने पोस्ट को डिलीट मत कीजिएगा। जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में अच्छे से ध्यान से देखिएगा, वो काम कीजिएगा। तो वेलकम टू हाउ टू। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इंस्टाग्राम के स्क्रीन पे और इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ये देखिए 640 पोस्ट हैं और मैं दिखाऊंगा इसमें क्या गलती करते हैं लोग कि उनका रीच भी डाउन हो जाता है और उनकी फ़ोटो डिलीट होने के कारण रीच डाउन होता है, आप सिंपली आके डिलीट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी हो, चाहे फ़ोटो हो चाहे रील हो, आप डायरेक्टली आके डिलीट कर देते हैं, अच्छी नहीं लगती तो उससे आपके रीच पे इफ़ेक्ट पड़ता है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जल्दी से फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। और आप जाके सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, तो आपको क्या करना है, आपका पोस्ट आपके प्रोफाइल में आए भी ना और वो आसानी से सेव भी हो जाए। ये देखिए, ये जैसे ही ये देखिए 637 पोस्ट हैं डिलीट करने के बाद इतने बचे, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए ऊपर, जैसे आप डिलीट करते हैं उसी थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए। मैं थ्री डॉट पे क्लिक कर देता हूं और देखिए एयरकाइव डिलीट के जस्ट ऊपर लिखा है एयरकाइव। जैसे ही आप एयरकाइव पोस्ट कर देते हैं वो प्रोफाइल से हट जाता है, लेकिन वो फ़ोटो डिलीट नहीं होती है। मैं दिखाऊंगा वो कहाँ छिपके बैठी होती है और जब चाहें आप उसे डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं दोबारा से। ये देखिए 636 पोस्ट, 37 थे 36 हो गए। उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके प्रोफाइल पे थ्री डॉट का बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वन जहाँ लिखा हुआ है ऊपर देखिए, जैसे ये रील्स को मैं फिर से एयरकाइव कर देता हूँ। देखिए रील्स को आप एयरकाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड, जैसे ही आप कर देते हैं ये आपके प्रोफाइल से ग्रिड हो जाती है, लेकिन ये बाद में रिकवर हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, फोटो को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, बस आप डिलीट ना करें, एयरकाइव करें जब भी करें, इससे आपके रीच पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी पोस्ट डिलीट भी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है आपको दोबारा से उसे वापस लाना है, तो थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और सेटिंग के नीचे देखेंगे एयरकाइव का ऑप्शन आ रहा है। और देखिए यहाँ पे स्टोरी जो आपकी एयरकाइव में चली जाती है 24 घंटे बाद, आप उसको दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर देखिए स्टोरी एयरकाइव के बगल में जैसे ही ऊपर क्लिक करते हैं पोस्ट एयरकाइव और लाइव एयरकाइव, आप तीनों चीज़ को एयरकाइव में पोस्ट करके रख सकते हैं, स्टोरी पोस्ट और लाइव स्ट्रीमिंग। और जो रील्स होती है उसे ग्रीड करने के बाद उसे दूसरी जगह से वापस लाते हैं। ये देखिए जैसे पोस्ट मैंने किया है फोटो, और इसे दोबारा से लाना है तो थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए शेयर ऑन प्रोफाइल। जैसे ही आप शेयर ऑन प्रोफाइल कर देते हैं वो आपका प्रोफाइल पे पोस्ट दिखने लगता है। बहुत ही आसानी से यहाँ से आप पोस्ट शेयर और डिलीट करके एयरकाइव में कर सकते हैं, चाहे वो स्टोरी हो, 24 घंटे बाद की स्टोरी आपको पुरानी देखनी हो तो आइएगा एयरकाइव के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आइएगा सेटिंग के नीचे एयरकाइव पे। जैसे ही एयरकाइव पे आएंगे ऊपर लिखा होगा स्टोरी एयरकाइव, और वहां से आप चेंज कर सकते हैं जहां स्टोरी एयरकाइव लिखा होगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बताइएगा।